दोस्तों IPL साल 2023 का सीजन शुरू होने में भी काफ़ी महीने बाकी है, बट उससे पहले काफ़ी सारी होम सीरीज़ के जो शेड्यूल यहाँ पर BCCI ने बाहर निकाल दिया है वो हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारी तरफ से काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट दोनों पर आने वाली है। खैर, बात करेंगे हम KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम KKR की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है। और आज के वीडियो में मैं आप सभी फैंस को टीम KKR की दिन भर में निकली ही टॉप ट्रेंडिंग और सभी एक्यूरेट खबरें बताने वाला हूं। तो आज तो एक स्टोरी भी और एक स्ट्रगल स्टोरी जिसको हम कहते हैं वो बताऊंगा, तो काफी मजेदार ये वीडियो है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखना वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम IPL साल 2023 के सीजन में जरूर धमाका मचाना चाहेगी, और इसके लिए एक नई टारगेट प्लेयर लिस्ट भी हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ आप टीम KKR पे आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहोगे। टॉप अपडेट्स की बात करें, पहली अपडेट आ रही है गौतम गंभीर को लेकर। तो दोस्तों, ये जो गौतम गंभीर और सुनील नारायण का यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ये हम आपको ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले या फिर शायद 1 महीने पहले ही बता चुके हैं। अब ऑन एयर ये जो स्टेटमेंट हुआ है तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर सुनील नारायण ने बहुत ज़्यादा तारीफ गौतम गंभीर की है। खुद गौतम गंभीर ने भी काफ़ी बार सुनील नारायण का अप्रिशिएट किया है, और बात है इनके नेट सेशन की, और स्टोरी स्टार्ट होती है नेट सेशन से, जहाँ पर इनका अग्रेशन और गेम प्ले गौतम गंभीर ने एक बार मजाक में देखा था, और इस मजाक के चक्कर में इनको ओपन करने के लिए बोल दिया था। और दोस्तों, यहाँ पर सुनील नारायण आगे इनका स्ट्रगल मैं आपको बताने वाला हूँ, बट सुनील नारायण ने खुद बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो दूसरी टीम के ऑपोजिशन थे, क्योंकि खुद की टीम ने तो हिटिंग इनकी देख ली थी, भले ही थोड़ा इनको यहाँ पर प्रमोशन मिल गया था बल्लेबाजी में, बट जो दूसरी टीम है वो उनको सीरियसली नहीं लेती थी, उनके साथ मजाक करती थी, उनको मजाक में लेती थी। बट फिर तो दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से गौतम गंभीर ने जो भरोसा दिखाया था उसके ऊपर खड़े उतरे थे यहाँ पर सुनील नारायण। हालांकि दोस्तों, गौतम गंभीर की कप्तानी थी ही अलग, क्योंकि सुनील नारायण तो अभी भी वैसे ही है, बट टीम KKR अभी वैसी नहीं है, इसलिए सुनील नारायण को अब नीचे बल्लेबाजी दी जाती है। बट इससे पहले दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि क्रिस लिन या फिर एलेक्स हेल्स या जेसन रॉय जैसा ताबड़तोड़ ओपनर टीम KKR में आए, और एक बार फिर से हमें सुनील नारायण के साथ वो पावरफुल ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि सुनील नारायण को क्या साल 2023 के सीजन में ओपन करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो उनका पार्टनर कौन होगा। दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है सुनील नारायण को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों, सुनील नारायण ने एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने स्ट्रगल स्टोरीज बताई, IPL को पैसों को लेकर बताई। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सुनील नारायण, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि मैं कभी भी भरोसा नहीं करता था कि एक IPL जैसा जो स्टेज है वो हम सब प्लेयर्स को इतने ज़्यादा पैसे देगा। तो सबसे पहले जो ड्वेन ब्रावो है, उन्होंने यहाँ पर इनको बात बताई थी कि वो ट्रेड हो गए हैं, और जो सुनील नारायण, उनको लगा था ये मजाक, क्योंकि ड्वेन ब्रावो खेल के प्रेमी है तो वो मजाक कर सकते हैं। इसके बाद कायरन पोलार्ड ने उनको मैसेज किया था, और इस मैसेज के बाद उन्होंने, वो काफ़ी इमोशनल हो गए, जहाँ उन्होंने बताया कि एक गरीब परिवार का जो लड़का है, यानी दोस्तों अपना स्ट्रगल पूरा इन्होंने बताया था कि किस तरह से इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे। और इसके बाद उन्होंने ये भी रिवील किया था कि इतने पैसे होने के बावजूद उनको बेंच पर रखा गया था, पहला मैच उनको खेलने का मौका नहीं दिया गया था। तो इससे वो समझ गए कि IPL में अगर बने रहना है इतने पैसे के लेने के बावजूद भी, तो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और उसी कंसिस्टेंसी को यहाँ पर सुनील नारायण बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों जो काबू करके आए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ सुनील नारायण आपको कब के कौन से साल से अच्छे लगने लगे थे, या फिर अभी भी आप पसंद नहीं करते हो। तो ये थी टॉप अपडेट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।